डेहरी के विधानसभा के उपचुनाव में अपनी सीट गंवा चुकी राजद पुनः इसे अपने कब्जे में लाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। इसी कड़ी में गुरुवार को बस स्टैंड स्थित कुशवाहा भवन में डेहरी नगर के कार्यकर्ताओं की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता अमरेंद्र पाल ने की, जबकि मंच संचालन नंदकेश्वर यादव ने किया। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष नथनु पासवान, जिला अध्यक्ष गिरजा चौधरी, राजद के पूर्व प्रत्याशी सह प्रदेश महासचिव मोहम्मद फिरोज हुसैन, प्रखंड प्रमुख पूनम देवी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही राजद के कई MLC जो हैं वो टूटकर जदयू में शामिल हो गए हैं। ऐसे में राजद के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का कैसे हौसला मजबूत रखे। इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है और बैठकों में ये जिम्मेदारी दी जा रही है पुराने कार्यकर्ताओं को कि नए जो कार्यकर्ता है उन्हें समझाए, उन्हें जोड़े रखे। ये एक कठिन दौर चल रहा है और इसको लेकर जब हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने राजद के पूर्व प्रत्याशी से इस मामले में बातचीत की, फिरोज हुसैन जो कि इलियास हुसैन के पुत्र हैं उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने पूछा जब हमारे संवाददाता ने कि आखिर क्या कारण है कि कहीं पार्टी में फूट तो नहीं है कि 5-5 MLC जो है वो अचानक RJD से JDU में चले जाते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि चुनाव नज़दीक है, तोड़फोड़ तो चलता रहेगा लेकिन उम्मीद है कि हम ज़्यादा तोड़ने में कामयाब रहेंगे। अब ये देखना होगा कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति में जनता को क्या फ़ायदा होता है। वैसे डेहरी विधानसभा में अभी जो विधायक हैं उनसे जनता कितनी संतुष्ट है, या जो अभी जो अलग अलग दलों से प्रत्याशी होंगे उनसे जनता कितने खुश रहेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये खबर भी आ रही है कि जन अधिकार पार्टी से पप्पू यादव की पार्टी से एक समाज सेवक जो काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया और धरातल पर भी लोगों से जुड़ने की कोशिश में कामयाब रहे हैं, समीर दुबे जनाधिकार पार्टी से वो सामने आ रहे हैं और ऐसे में जनाधिकार पार्टी के ओर से पप्पू यादव का उनका पूरा समर्थन रहेगा। और इलियास हुसैन के जो पुत्र हैं फिरोज हुसैन, जिस वोटर पे उनकी नज़र है MI समीकरण पर, उसको तोड़ने में पप्पू यादव और उनकी टीम कितनी कामयाब होगी। वहीं जो अभी के वर्तमान विधायक हैं इंजीनियर सत्यनारायण यादव, वो भी यादव खेमे से हैं, तो इसमें देखना होगा कि किस तरह की गणित आगामी चुनाव में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं डेहरी एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अनिल कुमार के साथ राजीव रंजन की रिपोर्ट। है जो ये डेहरी नगर की जो नई कार्यकारिणी कमेटी बनी है उसके लेकर के ये प्रशिक्षण शिविर सारे नौजवानों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव हम लोग कैसे लड़ें और मजबूती के साथ लड़ने के लिए सारे वर्कों का हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। और लालू यादव के जो हम लोगों ने किए हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी जो दलितों गरीबों के मसीहा है, उन्होंने करके गए हैं, उन्हीं का हम लोग गुणगान करेंगे। निकट भविष्य में बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसके लिए हम लोग राजद पार्टी सब लोगों से जाकर घर घर पे जनसंपर्क कर रही है और इसी क्रम में मैं अभी कलावती चौधरी जी के यहाँ जो कि राजद जिला रोहतास की अध्यक्षा हैं उनसे मिलने के लिए और आने वाले जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उस पर विमर्श करने के लिए उनके घर पर आया हूँ और आशा है कि आने वाले चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित होगी। धन्यवाद। कल 5 MLC राजद छोड़कर जदयू में शामिल हो गए, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? पार्टी में फूट है क्या? पार्टी में टूट नहीं है, जो पार्टी के नीतियों से कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो दूसरे जगह भी जाते हैं। इसी क्रम में जावेद इकबाल जदयू के जो थे वो भी हमारे यहाँ आए हैं और रामा सिंह जो हैं लोजपा छोड़कर के NDA के वो भी हमारे यहाँ आए हैं और अन्य 15 से 20 विधायक जो हैं जदयू के टूट करके बहुत जल्द निकट भविष्य में हमारे पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर इधर के लोग जा रहे हैं तो उधर के भी लोग आ रहे हैं, इसलिए हम लोग घबरा नहीं रहे हैं और हमें उम्मीद है कि उनका ज़्यादा टूटेगा, हमारा कम टूटेगा।